हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सर्किट लेके आया हूँ। आपको मालूम है कि जो वोल्टेज रेगुलेटर हैं, चाहे वो 7805 है, 7809 है, 7812 है या कोई भी हो, तो उस पर आप मैक्सिमम जो है 1 एम्पियर लोड डाल सकते हैं। अगर 1 एम्पियर लोड भी आप डालते तो भी ये काफ़ी हीट हो जाता है। लेकिन आज मैं ऐसा सर्किट आपको दूंगा, आप चाहें तो उस पर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30, 50, जितना चाहें इस सर्किट को मॉडिफाई करके आप उसके ऊपर लोड जो है डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है समझ आ जाएगी। मैं पूरा डीपली आपको बताऊंगा ये। और आप देख सकते हैं, पीसीबी भी जो है मैंने अपने जो जीरो बोर्ड है, वीरो भी बोर्ड है, उसके ऊपर ही मैंने इसको डिज़ाइन किया है। किस तरीके से ये बनाना है वो भी मैं आपको पूरा इसमें बताऊँगा। जिस तरह से और प्रोजेक्ट आपने मेरे देखे, सेम उसी तरीके से हम ये पीसीबी भी जो है डिज़ाइन करेंगे। इसकी गड़बड़ फाइल भी आपको मेरे जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए पहले इसका सर्किट देख लेते हैं मेरी वेबसाइट पर जाके, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे बनाना है। वो लास्ट में मैं आपको इसके ऊपर लोड डाल के भी दिखाऊंगा, कितनी इनपुट देनी है, कितनी आउटपुट देनी है, कितने एम्पीयर ये लोड ले रहा है, हर चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये है मेरी वेबसाइट ETHCircuits.com। आज तक की मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी से रिलेटेड सर्किट आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पर हेडिंग मैंने दी हुई है, अलग अलग हेडिंग के अंदर उसी से रिलेटेड सर्किट आपको मिलेंगे। और अभी जो सर्किट हमने बनाना है वो इस लिंक के ऊपर, ये सर्किट है वो। लेकिन इसी से पहले मैंने एक सर्किट और बनाया था हाई एम्पीयर पावर सप्लाई पे LM317 के साथ में। तो आपने इस सर्किट को नहीं बल्कि इस सर्किट को आपने फॉलो करना है। तो 7812 जो वोल्टेज रेगुलेटर है, इसकी जगह आप 7805, अगर आपको 5 वोल्ट हाई एम्पीयर चाहिए आउटपुट पे तो 7805 यूज़ करें। 9 वोल्ट चाहिए तो 7809 यूज़ कर सकते हैं, 7812 यूज़ कर सकते हैं, 7818 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है इनपुट जो है आपकी कम या ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप 7812 यूज़ करते हैं तो 15 से 18 वोल्ट आप यूज़ करें। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो आप लगभग 6 या 7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक इसके साथ में इनपुट पर आप यूज़ करें, तो आपके लिए वो सेफेस्ट रहेगा। और दोस्तों, जो MJE2955 मैंने जो PNP ट्रांजिस्टर इसके साथ में यूज़ किया है, अगर आपको TIP2955 मिल जाता है तो आप सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और 10 एम्पीयर तक आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा आउटपुट लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजिस्टर जो है पैरेलल में, एज इट इज़ पैरेलल में आप बढ़ाते जाएंगे। एक एक रजिस्टर जो है इसके मीटर के साथ में आप लगाते जाएँ और ट्रांजिस्टर जो है इसी तरीके से बढ़ाते जाएँ। तो आप 5 एम्पीयर, 10, 20, 50 जितना आपको चाहिए उतना आप इस सर्किट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इनपुट आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको देनी होगी। ये नहीं है कि आप इनपुट तो आप 2 एम्पीयर दे रहे हैं और आप ऐसा सोचेंगे कि आउटपुट पे आपको 10 या 20 एम्पीयर मिल जाएगा, तो इनपुट भी आपको उतने एम्पीयर ही यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ इसका ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि जैसे आपको कंस्टेंट वोल्टेज चाहिए, लेकिन 7812 या 05 अगर आप यूज़ करते हैं, मैक्सिमम 1 एम्पीयर आप उसके ऊपर लोड जो है डाल सकते थे। लेकिन इस सर्किट के थ्रू आप जितना लोड आपको चाहिए आप उतना लोड उससे ले सकते हैं या उतना लोड उसके ऊपर डाल आप सकते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, आप अलग से टैब में इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इसकी पिनआउट भी मैंने आपको दे दी है। अगर आप ट्रांजिस्टर कोई भी इसकी जगह दूसरा यूज़ करते हैं PNP ट्रांजिस्टर, तो आप उसका जो 2N2955 आप यूज़ कर सकते हैं, TIP2955 आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप उसके पिनआउट का ध्यान रखें जब उसको यूज़ आप करें। और 1 एम्पीयर का फ्यूज़ आपने यहाँ पर यूज़ करना है 7812 की आउटपुट के ऊपर, और इसकी आउटपुट के सर्किट के आउटपुट के ऊपर आप 10 एम्पीयर का फ्यूज यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने 10 एम्पीयर के लिए इसको बनाया है। अगर आप ज़्यादा एम्पीयर के लिए इसको बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो फ्यूज़ है आप बढ़ा लें। अगर 20 एम्पीयर का आप सर्किट बना रहे हैं तो आप ये समझें कि 20 एम्पीयर के लिए अगर आप यही ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो आप 6 ट्रांजिस्टर यूज़ करें, तो ज़्यादा हीट की भी प्रॉब्लम आपको फिर नहीं आएगी। और अगर आप 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो 5 एम्पीयर तक, 6 एम्पीयर तक लोड इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो सर्किट को जैसे आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से ये बात पूछ भी सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर गड़बड़ फाइल का लिंक दे दिया है, आप यहाँ पे जाएंगे तो क्लिक करके उसको गड़बड़ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और PCB तैयार करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल, जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको बताऊँगा, सिंपल PCB घर पर ही डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सेव कर लें, इस पेपर को A4 साइज़ के ऊपर, जो नॉर्मल हमारा फोटोकॉपी पेपर है उसके ऊपर इसका प्रिंट निकाल लें। तो मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, प्रिंट मैंने इसका ले लिया है। तो चलिए बनाते हैं सर्किट को, किस तरीके से आपने बनाना है, और जो भी नॉलेज होगी इसके बारे में साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, मैंने प्रिंट निकाल लिया इसका प्रिंटर से, तो जो भी कलर आपको पसंद हो आपने उसकी कटिंग कर लेनी है, और उसके साथ में एक जो जीरो या वीरो बोर्ड है उसकी भी कटिंग उसी साइज़ की आपने कर लेनी है। उसके बाद इसको कट करके इसके ऊपर आपको
फेविकोल या कोई भी जो गम है उसकी मदद से इसको इसके ऊपर आपने चिपका लेना है। तो दोस्तों पेपर को इसके ऊपर चिपकाने के बाद आपने ये सारे जितने भी होल हैं ये वाले कर लेने हैं आपने वन बाई वन सारे, इस तरीके से आपने सारे होल कर लेनी है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शोल्डरिंग भी आपने ही करनी है तो उसको आप बाद में पीछे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पूरे होल आपने कर लेने हैं दोस्तों। उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो सेलो टेप है ये लगा ली है, इससे क्या है इसकी थोड़ी मजबूती भी हो जाएगी और लुक भी थोड़ी अच्छी बन जाती है। तो पीसीबी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने वन बाय वन जो है इसमें कंपोनेंट्स डालते जाना है और जिस जिस तरीके से ये कनेक्शन है आपने उस तरीके से इसको आपस में जोड़ते जाना है। तो कुछ कंपोनेंट्स मैं इसमें लगा के उनकी कनेक्टिविटी आपने कैसे करनी है, उनके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स मैंने इस पे लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं रजिस्टर है, फ्यूज़ है, कैपेसिटर है और 7812 मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो आप देखें कनेक्शन मैं किस तरीके से इसके किया मैंने, जैसे ये वाली वायर थी यहाँ हमने टर्मिनल ब्लॉक लगाना है कनेक्शन के लिए, जो मैं नहीं लगा रहा अभी, मैं वैसे आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ। जैसे ये लाइन थी ये रजिस्टर के साथ में थी, तो ये लाइन हमने जो है पूरी यहाँ पर लगा ली है, यहाँ पर रजिस्टर है और उसके बाद ये लाइन यहाँ से घूमकर जो है यहाँ पे जा रही है इन रजिस्टर के साथ में। तो ये पूरी लाइन हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा ली है शोल्डर के साथ। पहले एक पतली जो वायर यहाँ पर लगा लेते हैं और वायर के बाद जो है उसके ऊपर जो है हम शोल्डरिंग कर लेते हैं। तो काफ़ी सारा शोल्डर लग जाता है, इससे जो है हाई एम्पीयर जितना भी हाई एम्पीयर हम इस पर लोड डालेंगे कुछ दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इसी तरीके से सभी कंपोनेंट जो मैंने अलग अलग लगा लिए हैं। तो पहले कंपोनेंट्स आप लगा लें थोड़ा थोड़ा शोल्डर लगा के, उसके बाद जो है अलग से उसकी शोल्डरिंग जो है आप एक बारी में ही कर सकते हैं। और पूरा ध्यान रखना आपने कनेक्शन करते टाइम कि कोई भी वायर जो है इधर उधर टच ना हो, जहाँ पे उसका कनेक्शन है उसी जगह से उसकी कनेक्टिविटी आपको बनानी है। तो मैं बाकी कंपोनेंट्स भी डाल लेता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अभी जो मैं MJE 2955 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हम तीन अगर यूज़ करें तो लगभग 10 एम्पीयर के आसपास इस पे लोड जो हम डाल सकते हैं। हाँ लेकिन अगर आप TIP 2955 यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 2 से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आपको 20 एम्पीयर के लिए इसको यूज़ करना है तो आप जो है TIP 2955 जो है उसके 4 पीस जो है यूज़ करो। एक जो ट्रांजिस्टर है वो लगभग आप 5 एम्पीयर तक जो यूज़ जो है कर सकते हैं, और ये जो MJE 2955 है इसको आप 3 एम्पीयर तक जो है मान के चलें। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, आप हीट सिंक जो है इसके लिए अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग हीट सिंक इस पे यूज़ करें, या फिर आप अगर एक साथ इसकी ऐसी हीट सिंक आपको मिलती है तो इस तरह की हीट सिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे इसका कलेक्टर जो है आपस में ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर भी मैंने यहाँ पर जो है कनेक्शन इसमें दे रखे हैं, आप इसको जंपर दे सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जंपर का मतलब सिंपल जो वायर है, थोड़ी थिक वायर आप यहाँ पे यूज़ करें, जहाँ जहाँ मैंने ये होल दिए हैं यहाँ से आपको एक सिर्फ वायर से इसको आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं बाकी भी सभी चीज़ें इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ ट्रांजिस्टर वगैरह। तो मैं ये बड़ी जो है हीट सिंक यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं ये कनेक्टर यहाँ पे नहीं लगा पाऊँगा, लेकिन आपको जो मैं पीसीबी दूंगा उसमें आप जो है ये यूज़ करें, मैं पीसीबी का साइज़ थोड़ा बढ़ा दूँगा। तो चलिए मैं बाकी सभी कनेक्शन इसमें कर लेता हूँ। तो दोस्तों सर्किट जो हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, पूरे कनेक्शन मैंने इसके कर लिए हैं, बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूं। पर दोस्तों कोशिश आपने ये करनी है कि कोई भी कहीं भी टच ना हो, पूरे ध्यान से आपने शोल्डरिंग करनी है और उसके बाद पूरा होने के बाद भी आप जो पॉइंट बिल्कुल पास पास में है एक बार कनेक्टिविटी जो है मल्टीमीटर से चेक कर लें कहीं को टच तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी हाई मीयर के लिए आपने इसको यूज़ करना है तो कुछ भी इसमें जो है बर्न हो सकता है, तो इसलिए पूरा ध्यान से आपने ये बनाना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूं। और ये जो 1 एम्पीयर का फ्यूज़ हमने यूज़ करा है ये इसकी सेफ्टी के लिए है। आउटपुट पे आप जो है जितने एम्पीयर का आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, जितने एम्पीयर के लिए आपने ये सर्किट बनाया है उतने एम्पीयर का आप जो है फ्यूज़ एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 10 एम्पीयर का यूज़ करें तो 10 एम्पीयर या 12 एम्पीयर का फ्यूज़ आप उसके लिए यूज़ करें। 10 एम्पीयर लोड है तो 12 एम्पीयर या 15 एम्पीयर 13 एम्पीयर तक आप आउटपुट पर फ्यूज़ जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो रजिस्टर है दोस्तों ये 0.1 ओम है, 1 ओम नहीं लेना। अगर आप 1 ओम का रजिस्टर यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो जो वोल्टेज है जो आउटपुट है जैसे ही आप इसके ऊपर लोड डालेंगे आउटपुट पे वोल्टेज में 12 की बजाय काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये आपने पूरा ख्याल रखना है। अगर 0.1 ओम आपको नहीं मिलता तो आप कोशिश करें 0.22 ओम, उससे ज़्यादा आप ना लगाएं। तो 0.1 ओम सबसे बेटर इसमें आपके लिए रहेगा। तो चलिए अभी इसका एक डेमो देख लेते हैं।
उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम इसके आउटपुट पे ये बल्ब लगाएंगे, ये 12 वोल्ट और 50 वाट का अगर आप देख पाएँ तो 12 वोल्ट 50 वाट मीन्स के लगभग 4 एम्पियर के आसपास जो है ये लोड जो है लेगा। तो मेरे पास एक ही बल्ब था इसलिए मैक्सिमम मैं जो इतना ही लोड इस पर आपको डाल के दिखा सकता हूँ, अगर एक और होता तो मैं इस पर लोड आपको और डाल के दिखा देता। तो दोस्तों मैं कभी भी कोई ऐसा फेक या ऐसा सर्किट नहीं आपको देता कि जो आप बाद में ऐसा सोचें कि शायद वो उतना काम नहीं करेगा। जो भी मैं सर्किट आपको देता हूँ 100% वो उतना काम करेगा जितना मैंने वीडियो में आपको बोला है। और बाकी अगर इंक्रीज़ करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना आप ट्रांजिस्टर्स में बढ़ाते जाएंगे उतना एम्पीयर लोड इसका बढ़ता जाएगा। तो पूरी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो चलिए अभी इसकी चेकिंग हम कर लेते हैं। मैं इसमें आपको वोल्टेज कितनी ड्रॉप होती है वो भी दिखाऊंगा, कितने एम्पीयर ये लोड ले रहा है वो भी दिखाऊंगा, कितनी इनपुट मैं आप दे रहा हूँ तो कितनी आउटपुट आ रही है सब चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इनपुट सप्लाई इसको दे दी है, इनपुट सप्लाई इसको डीसी आपने देनी है, जितने एम्पीयर आपको आउटपुट पे चाहिए उतने एम्पीयर की इनपुट आपको इसको देनी पड़ेगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो कंस्टेंट वोल्टेज आपको वहाँ पे आउटपुट पे मिलेंगे जो कि 7812 सिर्फ 1 एम्पीयर देता था, जबकि हम उसको इंक्रीज़ करके जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं इनपुट आपको इसकी चेक करके दिखा देता हूँ। इनपुट आपने इसको 15 से 18 वोल्ट दें वो इसके लिए सबसे सेफ है, तो आप मल्टीमीटर में दे सकते हैं। 16 वोल्ट इनपुट सप्लाई मैंने इसको दिया है, 5 एम्पीयर और 16 वोल्ट मैं इस पर जो है इसको इनपुट के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, और डीसी वोल्ट आपने इसको देनी है। तो आप आउटपुट पे अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक बार, इसकी 12.11 वोल्ट आउटपुट पे इसके आ रहे हैं। तो अभी ये जो 50 वाट का बल्ब है ये हम इस पर लगा के चेक करते हैं कहीं वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं अभी ये आउटपुट है विदाउट लोड 12.11, और जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ वोल्टेज जो है ड्रॉप नहीं हुए बल्कि हल्के से वोल्टेज जो हैं बढ़ रहे हैं। तो इसकी जगह 0.1 की जगह 0.22 ओम का रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, तो वोल्टेज बढ़ेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन पहले 0.1 ओम का रजिस्टर ही यूज़ करें। तो अभी मैं आपको इसका जो है एम्पीयर भी चेक करके दिखाता हूँ कितने एम्पीयर लोड ये ले रहा है। क्लैंप मीटर से हम डीसी के लोड जो है चेक कर सकते हैं एम्पीयर कितने ले रहा है। तो पहले मैं इसको एम्पीयर पे सेट कर लेता हूँ और इसको ज़ीरो पे सेट कर लेता हूँ, और इसको सीरीज़ के थ्रू आप नॉर्मल जो मीटर आता है एम्पीयर मीटर उसमें भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन क्लैंप मीटर में इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कितने एम्पीयर ये लोड ले रहा है। तो अभी आप इसको देख पाएंगे, तो मैं इसको लगाता हूँ, आप देख सकते हैं 4 एम्पीयर से ज़्यादा लोड हमने इस पर डाला हुआ है, जबकि ये हीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। रजिस्टर जो है हल्के हीट होंगे और ट्रांजिस्टर भी जो है हीट होंगे, इसलिए फ़ैन का जो है आप इसके साथ में ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको रेगुलर इसको यूज़ करना है तो जो कंप्यूटर के साथ में 12 वोल्ट का जो फ़ैन आता है वो इसके साथ में आप ज़रूर यूज़ करें, और इसी की आउटपुट पे ही उसको आप लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप ये सर्किट बना सकते हैं, चाहे जितने मर्जी एम्पीयर के लिए आप इसको बनाना चाहें उतने ही ट्रांजिस्टर में इंक्रीज़ करते जाएँ, कंस्टेंट वोल्टेज आपको आउटपुट पर मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो मुझे बताना आप, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर इसी तरीके के थ्रू एक वेरिएबल पावर सप्लाई मैं आपको बना के दिखा दूंगा। हालांकि ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल पावर सप्लाई पे वीडियो बनाया हुआ है 0 से 30 वोल्ट एंड 0 से 10 एम्पीयर का, लेकिन मैं उससे ज़्यादा हैवी एम्पीयर की पावर सप्लाई आपको बना के सर्किट उसका दे दूँगा, तो आप कमेंट में मुझे वो बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।